कमी खलती है, हमको रुलाई आती है, रुलाई आती है यार बच्चे। और क्या होंगे, हम लोग के बीच में आज भले ही नहीं है लेकिन नहीं रहने के बावजूद वे अमर है। माय डियरेस्ट नियरेस्ट एंड इंडियन फ्रेंड हैव बीन लेफ्ट इन मी ही पास्ट अवे, आई एम वेरी सॉरो। और नेता भी थे तो वो जाति के नहीं थे, वो जमात के थे, हर धर्म के हर जाति के लोग के थे। वो जहानाबाद का को जाना गया तो किंग महेंद्र के बदौलत दुनिया में विश्व में जाना गया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ श्रुति। राज्यसभा के दिवंगत सदस्य किंग महेंद्र प्रसाद के नाम से जाने वाले महेंद्र प्रसाद, जो कि एरिस्टो फार्मास्यूटिकल के मैनेजिंग डायरेक्टर थे और फार्मेसी की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई, और सिर्फ देश में नहीं विश्व में भी उनका काफ़ी नाम रहा, और जहानाबाद ही नहीं बिहार के कोने कोने में लोग उनको जानते हैं और गरीबों के मसीहा माने जाते थे। आइए लोगों से जानते हैं कि उनकी आज पहली पुण्यतिथि है और पिछले साल आज के दिन वो हमारे बीच नहीं रहे, क्या कुछ कैसे याद करते हैं, आइए हम जानते हैं। बहुत बहुत उनका क्षति कोई पूर्ण नहीं कर सकते हैं, पूरे बिहार के मसीहा थे और बहुत गरीबों को मदद करते थे, ऐसा बात नहीं है। उनका क्षति हम लोग का बहुत महसूस हो रहा है अंदर से, अब क्या बता सकते हैं, बहुत तकलीफ है उनको जाने से। आज महेंद्र प्रसाद हमारे बीच नहीं है और गरीबों के मसीहा माने जाते थे, कैसे याद करते हैं? हम जान रहे हैं सर कि निजी गांव के आदमी हैं, बगल के बहुत हम लोग के सम्मान किए हैं, हम लोग के आगे भी बढ़ाए हैं विकास में। जातिवाद नहीं करते थे और हर इंसान को बढ़ावा देते नहीं, हर व्यक्ति का चाहे हैं अपना स्तर से। कैसे याद करते हैं महेंद्र प्रसाद को जब आज वो हमारे बीच नहीं है? हमारा महेंद्र प्रसाद बढ़िया आदमी, गरीब के लिए सहारा करते थे, अच्छा काम करते थे, हम लोग उनके बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, अच्छा काम करते थे। आज महेंद्र प्रसाद हमारे बीच नहीं है, गरीबों के मसीहा माने जाते थे, किस तरह याद करते हैं उनको? सर प्रथम तो मैं उनके दिवंगत आत्मा के प्रति नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और उनके विषय में जितना भी कुछ कहा जाए बहुत ही कम होगा। वे गरीबों के, दलितों के, सुस्तों के, अमीर गरीब छोटे बड़े सभी के जैसे वह सर्वमान्य नेता थे, सर्वमान्य नेता थे। और जहानाबाद का को जाना गया तो किंग महेंद्र के बदौलत दुनिया में विश्व में जाना गया, जो इन्होंने एक अपनी छवि प्रस्तुत की है समाज के प्रति, उससे हम सभी समाज के लोग उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। हम लोग के बीच में आज भले ही नहीं है लेकिन नहीं रहने के बावजूद वे अमर हैं। लेट डॉक्टर महेंद्र प्रसाद सीनियर मोस्ट एमपी ऑफ राज्यसभा बाज माई डियरेस्ट नियरेस्ट एंड इंडिट फ्रेंड, डियरेस्ट नियरेस्ट एंड इंडिट फ्रेंड हैविंग लेफ्ट मी ही पास्ट अवे, आई एम वेरी सॉरो विथ। जहाँ तक वो वास्तव में समाज उनकी तुलना अगर राजा राम मोहन राय से की जाए तो बहुत कम है। इन्होंने समाज के सभी तबके, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, कोई भी जातीयता उनमें नहीं थी और सामाजिक थे, और उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया। ऐसे भी हमारे बिल्कुल नज़दीक में हैं, गांव भी बिल्कुल दोनों सटे हुए हैं, तो उन्होंने इतना काम किया। सबसे पहले हमारे यहाँ उन्होंने नदी में पुल बनाया जिससे उत्तरी घोसी या दक्षिणी घोसी का संपर्क बन गया। उसके बाद कॉलेज बनाए, फिर सभी गांवों में ढलैया का काम करवाए, इन्वाइटर दिए, और प्रत्येक गांव में कम से कम 2500 आदमी प्रत्येक गांव से को रोजगार दिए। कहां तक कहूँ, माने हम तो वैसे तो उनके बाद आंखें नम हो जाती है जब उनको याद करते हैं, तो मैं कमी खलती है उनकी, कमी खलती है, हमको रुलाई आती है, रुलाई आती है यार बच्चे।
और क्या होंगे, उन्हीं की याद में हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ, हम लोग बहुत मदद किए गरीब, बहुत बहुत मदद किए हैं गरीब लोग के, मदद किए हैं और उन्हीं के सहारे भी हम लोग यहाँ तक भी पहुँच गए हैं। हम लोग महेंद्र दा हैं, सो हमारे गांव के बगल के हैं थे। वो बहुत दुख है, आज एक साल हो गया नहीं है। एक भगवान के स्वरूप थे वो। आज हमारे इस जिला के, ऐसे बिहार में देश में सभी को उन्होंने रोजी रोटी दिया। सबसे बड़ी चीज़ है रोटी देना नहीं, रोजी देना। आ इतनों को उन्होंने रोजी दिया, इतने को घर बसाया। तो हम तो यही कहें कि उनसे जैसा पुण्य आत्मा, उनके एक भगवान के स्वरूप थे और नेता भी थे, तो वो जाति के नहीं थे, वो जमात के थे, हर धर्म के, हर जाति के लोग के थे वो। उनके पास कोई जाता था तो कोई ये नहीं, किसी को निराश नहीं लौटाते थे। कोई दिल्ली भी घूमने गया ना, घर पे गया तो दादा प्रणाम, खुश का हाल है, हो ठीक है, घर द्वार ठीक ठाक होना था, हाँ ठीक है, चाहे हो कुछ ना कुछ उसको हाँ से 200, 1000, 500 रुपया कुछ नहीं लोग देते थे उनको। तो मतलब कि बहुत दुख, मतलब जिस तरह से वो शख्स जितनी बड़ी शख्सियत थे, क्या लगता है जहानाबाद में वैसी कोई शख्सियत बन पाएगा? आज के युवा उनके जिस तरह से वो आज एक एक अच्छी साध विरासत छोड़ के गए, क्या युवा जो है आजकल के वो कर पाएंगे, उनकी जगह ले पाएंगे? हमारे उनके साथ उनके सहयोगी हमारे संप्रदाय भी थे, एलकम के जो हैं वो भी थे, लेकिन आज नए युग में तो अभी जहाँ तक हमको दिखाई दे रहा है उसमें भोला बाबू हैं। भोला बाबू उन्हीं का स्वरूप है, जो कहा जाए शंकर तो शंकर हैं, एकदम भोला हैं। और भगवान करे, हम तो कहते हैं कि जो भी और भी जो यहाँ के बने, अभी तक तो हमें तो नहीं लगता है, लेकिन भोला बाबू हैं एक, ठीक ना, और उनके बच्चे हैं, तब उनसे भी हमारा कोई मुलाकात, ललित हैं चाहे रंजीत, मिल हमसे मुलाकात नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ तक हैं हम तो कहेंगे जो भी उद्योग लगाते हैं भोला बाबू, महेंद्र बाबू नहीं, महेंद्र बाबू से आधा भी कोई कर देना तो हमारा जिला तर जाएगा। महेंद्र प्रसाद आज हमारे बीच नहीं है, कैसे याद करते हो? जी हम लोग के मतलब घर भर काम करते हैं, गरीब आदमी है, बारूद बहुत महेंद्र बाबू ने अच्छा आदमी है, उनको हमको ही मतलब हमको काम करते हैं, बहुत मदद करते हैं हमने के, हम लोग गरीब आदमी हैं, बहुत मदद करते हैं, गरीबों के मसीहा कहलाते थे। हाँ उनको ही काम कमेरा करते हैं उनके ही। भोला बाबू जो थे आज तक किसी के पास अपना मतलब व्यक्तित्व नहीं गिराए, और उनका छवि इतना बिल्कुल था कि जाति प्रथा से हट के इतना कुछ किए कि आज उनको याद करता है और उनका कमी बहुत खलता है। वो जो एक साधारण व्यक्ति मतलब समय को महापुरुष भी उनके सामने कहा जाए तो बहुत कम लोग ऐसे हैं, ऐसे लोग धरती पर बहुत कम ही अवतार लेते हैं, और अभी भी आज उन्हीं का देन है कि लोग इतना इकट्ठा हुए। तो आपने सुना कि किस तरह लोग आज भी उन्हें याद करते हैं और आज भी उनकी आंखें नम हो जाती हैं, और किस तरह कई लोग जो है उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।